ये बात हम सभी जानते हैं कि एप्पल हर साल इसी टाइम पर यानी कि सितंबर के महीने में अपनी नई आईफोन सीरीज़ को ऑफिशियल करता है, और इस साल भी कंपनी अपनी मोस्ट अवेटेड आईफोन 15 सीरीज़ को ऑफिशियल करने जा रहा है, और हम सभी एप्पल लवर्स इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार देख रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये तो सुना होगा कि आईफोन 15 को लेकर नए नए लीक सामने आ रहे हैं, और लोग ये बता रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स इस फ़ोन में मिलने वाले हैं। तो आईफोन 15 इस बार गेम चेंजिंग हो सकता है, और साथ में ये भी देखना है कि 14 सीरीज से क्या कुछ नया इसमें मिलने वाला है। और माना तो ये जा रहा है कि इस बार कंपनी अपने फ़ोन को बिल्कुल एक नए डिज़ाइन, नए कैमरा और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ लॉन्च करने वाली है। तो अभी तक हमने फीचर्स की बात की थी, लेकिन अब iPhone 15 की जो प्राइस है वो लीक हो गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि फ़ोन को 80,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जा सकता है। और iPhone के ना फीचर से ज़्यादा यूज़र्स के बीच में ये क्रेज़ रहता है कि कितने प्राइस में यानी कि कितनी कीमत पे इसको लॉन्च किया जाएगा। तो माना यही जा रहा है कि इंडियन प्राइस के मुताबिक इसको 80,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है, और ये इसका बेस वेरिएंट होगा। इसके साथ ही iPhone 15 सीरीज़ में ये भी माना जा रहा है कि कंपनी अपना जो मिनी मॉडल है उसको रिप्लेस करके एक नया अल्ट्रा वेरिएंट लॉन्च करेगी, और अल्ट्रा वेरिएंट इस सीरीज़ का सबसे महंगा मॉडल हो सकता है। जो अभी जो प्राइस लीक सामने आया, ये iPhone 15 की बात हम कर रहे हैं, और साथ में जो पहले भी कंपनी ने iPhone 14 का प्राइस वेरिएंट लॉन्च किया था वो 80,000 से कम के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था, लेकिन iPhone 15 में काफ़ी कुछ नया मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी इस बार बेस वेरिएंट का प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ा सकती है। तो ये प्राइस की बात हो गई, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी सामने आ गए हैं जो कि हमें iPhone 15 में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले होगा इसका डिस्प्ले। तो माना जा रहा है कि इसमें 6.1 इंच का एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल सकता है, और साथ में ये भी माना जा रहा है कि जो डायनेमिक आइलैंड फीचर एप्पल ने एक्सक्लूसिवली जो अपनी iPhone 14 प्रो सीरीज में लॉन्च किया था, अब वो सारे वेरियंट्स में मिलेगा, यानी कि बेस वेरियंट से लेकर अल्ट्रा वेरियंट तक आपको सब में ये फीचर मिलने वाला है। तो इसका जो स्टाइल है वो बदल जाएगा, क्योंकि जो नॉच का डिजाइन है वो चेंज होगा, और साथ में कंपनी डिस्प्ले के साथ और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। तो ये तो ऑब्वियस है कि फ़ोन A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आएगा, जो कि एप्पल की अपनी खुद की एक्सक्लूसिव चिपसेट है, और साथ में फ़ोन में लेटेस्ट iOS 17 का सपोर्ट मिलेगा, जिसके फीचर्स पहले ही कंपनी रोल आउट कर चुकी है, और iOS 17 में भी बहुत कुछ नया आने वाला है। और इस बार ये भी माना जा रहा है कि अभी तक कंपनी जो कैमरा फीचर्स हैं उनको काफ़ी सिमिलर रखा था, जैसे कि हमने 13 और 14 में देखा था, लेकिन इस बार जो iPhone 15 आ रहा है उसमें कैमरा में काफ़ी कुछ नया मिलेगा, और इसमें 48 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिल सकता है, और ये डुअल कैमरा सेटअप होगा। साथ में ये जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है उसको भी कंपनी बढ़ा सकती है, और एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है इस फ़ोन में मिलेगा वो ये कि इसका जो टाइप सी पोर्ट है यानी कि लाइटिंग पोर्ट के बजाय अब iPhone 15 सीरीज़ में हमें एक यूनिवर्सल चार्जिंग सपोर्ट यानी कि टाइप सी पोर्ट मिल सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो iPhone 15 सीरीज़ में हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी देखना है कि 15 14 के कंपैरेटिवली क्या कुछ नया लेकर आने वाली है। सारे फीचर्स लीक नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके जो फीचर्स और नए अपडेट्स iPhone 15 को लेकर वो सामने आ रहे हैं, और यूज़र्स के बीच में इसका जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ iPhone 15 सीरीज़ के लॉन्च को लेकर। तो ऐसे में अगर iPhone 15 के फीचर को लेकर आपके पास कोई अपडेट है, या फिर आप कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा iPhone लवर्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।